हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एगलेस चॉकलेट केक। ये सबकी बहुत ही फेवरेट रेसिपी होती है और सबको केक तो बहुत पसंद आता है। सो लेट्स सी द रेसिपी। तो केक बनाने के लिए पहले हमने यहाँ पे ये फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे 1/3 टीस्पून बेकिंग सोडा लेंगे और हम इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे। अब यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठे कर लेना है चीनी को छोड़ के। तो इसमें मैदा है, कोको पाउडर है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर है, और इसको अच्छे से छान के साइड में रख लेना है। ये बहुत ज़रूरी है ये स्टेप, क्योंकि इसमें जब एयर आती है तो इससे हमारा केक बहुत अच्छा फूलता है। नेक्स्ट, एक बड़े बाउल में हमने 1/2 कप ऑयल डाल दिया है और उसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद इसमें हमने दही ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब हमें हमेशा केक बनाते समय ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स में मिक्स करना होता है, तो इसलिए हमने ड्राई को वेट में ऐड किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक ही डायरेक्शन में इसको चलाते रहना है। आप देख सकते हैं ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी आनी चाहिए। और अब हम इसको एक मोल्ड में डाल देंगे। मोल्ड को मैंने ऑलरेडी ऑयल से ग्रीस कर लिया है। बैटर पोर करने के बाद हमें इसे इस तरीके से टैप करना है ताकि इसमें जो एयर बबल्स हैं वो एस्केप हो जाएं। ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसको मत भूलिएगा आप। अब इसको बेक कर दिया है 350 पे फॉर 30 मिनट्स। अब हम बनाते हैं गनाश। तो मैंने यहाँ 1/4 सेमी स्वीट चॉकलेट चिप्स लिया है और 1/4 हैवी व्हिप क्रीम ली है। हैवी व्हिप क्रीम को गरम कर लिया है और इसको मेल्टेड चॉकलेट में मिक्स कर लिया है। इस तरीके से ये बन जाएगा। आप चाहे तो इसको माइक्रोवेव में भी हीट कर सकते हैं, ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी आएगी। इसे हम थोड़ी देर साइड में रख देंगे। केक हमारा यहाँ तैयार हो चुका है। केक में क्रैक्स आ गए हैं, अब इसका क्या किया जाए? तो केक में क्रैक्स आने के 2 वजह होते हैं। पहला, अगर आप केक को अपर रैक में रख दें ओवन में तो हीट काफ़ी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से ऊपर की लेयर जल्दी पक जाती है और इस वजह से केक में क्रैक्स आते हैं। और दूसरी वजह ये होती है कि आपका मोल्ड छोटा है, तो आप बड़े मोल्ड में उसको स्प्रेड करके पकाएं ताकि आपका केक यूनिफॉर्म पक जाए, या फिर आप रैक का लेवल एडजस्ट करें। केक को मैं बीच में से डिवाइड करने वाली हूँ और मैंने यहाँ इसको कट कर दिया है। अपर हाफ को मैंने राउंड शेप दी है और बाकी पीसेस मैंने साइड कर दिए हैं। मज़ेदार बात यह है कि इसके जो क्रम्स निकलते हैं उसकी भी एक अलग डिश बन सकती है, जो मैंने अपनी अलग YouTube वीडियो में डाली है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। ये देखिए केक कितना सॉफ्ट बना है। अब हम बनाएंगे बटर फ्रॉस्टिंग। ये तो बहुत ही यमी बनती है और इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून मेल्टेड सेमी स्वीट चॉकलेट ली है और मैंने उसको अनसॉल्टेड बटर के साथ बीट कर दिया है। यहाँ मैंने 2 टीस्पून ऑफ कोको पाउडर ऐड किया है और 3 टीस्पून आइसिंग शुगर डाली है। आइडियली इसमें 6 टीस्पून तक डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ चीनी कम रखी है। ध्यान रहे बटर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और जब आप इसे बीट करें तो लो स्पीड से स्टार्ट करना है और फिर उसके बाद हाई स्पीड पे इसे बीट करना है। इस तरह की इसका टेक्सचर आ जाए तो मतलब आपकी फ्रॉस्टिंग तैयार हो गई है। अब हमारा फाइनल स्टेप है केक को कैसे डेकोरेट करना है। ये चाहे तो आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ इस प्रकार से किया है। फ्रॉस्टिंग अप्लाई करेंगे केक पे। फ्रॉस्टिंग जो है ज़्यादा फ्रीज़ नहीं करी है, ये एकदम रूम टेम्परेचर पे है। ये बहुत ही इजी वे है केक को डेकोरेट करने का। अगर आपको लग रहा है कि आपकी फ्रॉस्टिंग मेल्ट हो रही है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। रूम टेम्परेचर गनाश को इस प्रकार से डेकोरेट करने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी ही देर में थोड़ी ख़राब सी दिखने लगती है, क्योंकि ये स्टिफ़ नहीं है। तो अगर हमें डेकोरेशन स्टिफ चाहिए तो उसके लिए हमें इसको फ्रिज में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं बाकी गनाश को फ्रिज में रखूँगी थोड़ा सा स्टिफ होने के लिए, एक कोन में डाल के।
नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है बटर फ्रॉस्टिंग कैसी लगती है जब ये स्टिफ हो जाती है। तो इस प्रकार का जो पैटर्न आता है ये तभी आता है जब आपकी बटर फ्रॉस्टिंग फ्रिज से आपने फ्रेश निकाली है और ये काफ़ी हार्ड हो चुकी है। तो इस तरह से हमने हर तरह के डेकोरेशन टेक्निक देखी है जो कि बहुत ही इजी और बिगनर लेवल की है। इस प्रकार से मैंने बाकी को केक को भी डेकोरेट कर दिया है। अब ये मैंने गनाश निकाला है फ्रिज से और ये थोड़ा हार्ड हो चुका है और इस प्रकार से मैंने इस पे डेकोरेशन कर दी है। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो पैटर्न है ये ऐसे ही रहेगा और ये फैलेगा नहीं क्योंकि ये अभी भी ठंडा है। गनाश से कवर्ड केक को ऐसे डेकोरेट कर दिया है। आप चाहे तो कुछ अलग पैटर्न भी दे सकते हैं। सबसे इजी पैटर्न तो यही लगता है फ्रेंड्स, फटाफट इस पे गार्निश कर दीजिए और आपका केक झटपट तैयार हो जाता है। होप ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके काम आए और आपका केक इससे भी बहुत अच्छा बने और बहुत टेस्टी बने। यदि आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको पैन में भी बेक कर सकते हैं और इसकी जो फ्रॉस्टिंग है इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब हम इस केक को कट करते हैं और देखते हैं ये कितना मॉइस्ट बना है, कितना सॉफ्ट है। इसकी क्रीम बहुत ही यमी है और बहुत ही टेस्टी है। फ्रेंड्स कोशिश कीजिएगा जो कोको पाउडर आप यूज़ कर रहे हैं वो डच प्रोसेस हो, उसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छा आता है। होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।